लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। लगभग गुना से सिंधिया को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है। भोपाल से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है। विदिशा में ही आती है बुधनी विधानसभा सीट, जहां से लगातार जीतते आए हैं शिवराज सिंह चौहान, और अब विदिशा लोकसभा सीट में उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। भोपाल से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए उनको मैदान में उतारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कल बैठक में 11 नामों पर मोहर लग गई है। न्यूज 18 के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। कौन कौन से वो नाम हैं आपको बताते हैं। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा को या सुनील सोनी को मिल सकता है टिकट। दुर्ग से विजय बघेल और प्रकाश साहू के नाम चल रहे हैं। कांकेर से भोजराज नाग और राधेलाल नाग का नाम आगे चल रहा है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह में से किसी एक को टिकट मिल जा सकता है। तो बीजेपी का महामंथन, और ये जानकारी मिल रही है कि लगभग सभी सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। और अब बात करते हैं कोरबा में हुए हंगामे की। नगर पालिका निगम की सामान्य सभा में हंगामा हुआ। सभा शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। निगम के नए सभागृह में पहली बार सामान्य सभा की बैठक हो रही है। भवन के नाम बदले जाने को लेकर यहां पर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सदस्य हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका निगम में यह हंगामा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य आपस में भिड़ गए। यहां पर मामले में सभी को शांत कराने की कोशिशें की गई। ये नया सभागृह है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।